युवक को कार में लिफ्ट लेना पड़ा महंगा। युवक को कार में बंधक बनाकर लिया एटीएम कार्ड, निकाले 40,000 रुपए। नकदी निकालकर नंदरामपुर बास गांव के पास छोड़ा। युवक ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने कराई नाकेबंदी। बावजूद इसके फरार होने में कामयाब रहे अपराधी। कार में युवक पर किए पेचकस से वार, घायल अवस्था में ट्रामा सेंटर कराया भर्ती। NH 8 पर रमन मुंजाल अस्पताल के पास की घटना। क्या नाम आपका? नाम शेर सिंह है। शेर सिंह जी, क्या घटना घटी आपके साथ? मैं कंपनी से आ रहा था कल, तो धावड़ा से बस पकड़ी थी रोडवेज की। रोडवेज वाली बस ढाबे पे रुक गई खाने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा साइड में हो गया खड़ा जाकर कि खाना वाना चल रहा है, मैं साइड में हो जाता हूँ। मेरे खाना नहीं था घर पे खाना में, तो वहीं पे फिर थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद एक गाड़ी आई और उन्होंने मेरे को आवाज़ मारे थे रिवाज जवाड़ी के लिए, तो उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बैठा दिया। फिर चार बंदे बैठे थे उसमें और बैठा करके फिर मैं बेहोश हो गया, मुझे पता नहीं। उसके बाद फिर मेरे को काफ़ी देर बाद होश आया, तो मेरी सारी चीज़ उन्होंने अपने पास ले ली थी, पर्स मोबाइल सब कुछ उनके पास था, मेरा बैग वगैरह। और उसमें पासवर्ड पूछने लगे फ़ोन का, तो उसमें गूगल पे एक एप्लीकेशन है, उसमें इन्होंने पैसे चेक कर लिए कितने हैं और फिर मारपीट शुरू कर दी सारी। जब तक उन्होंने सारे पैसे नहीं निकाल लिए उसमें। और बाकी मेरे को एक लड़के थे तो गर्दन दबा रखी थी जिससे सांस भी नहीं आ रहा था मेरे को, और ऊपर से सीट से दबा रखा था। और एक बंदा पेचकस और पिलास लेकर मतलब मारे जा रहा था, कभी मुंह पर मार रहा था, कभी हाथ में, कभी हिप्स पे, लेग्स पे, हर जगह मार रहा था। बोले कितने पैसे निकाले आपके? रात को 4-4.5 तो नगद थे, बाकी 35,000 अकाउंट में थे वो सारे। फिर कहाँ छोड़ के गए आपको? उन्होंने मेरे को गांव है एक, हाँ क्या बोलते हैं, धावड़ा से आगे गांव पड़ता है। फिर वहाँ से कैसे आया? वहाँ से रात को उन्होंने हाथ बांध के फेंक दिया था मेरे को। ये तकरीबन कितने बजे घटना है? तकरीबन उन्होंने मेरे को फेंका होगा कोई 12 बजे के करीब फेंका होगा, 11:30-12 बजे। और 8:30 बजे के करीब मैं वहाँ पे था, तो ये 8:30 से 9:15 के बीच में वो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से धीरे धीरे अपना वो रस्सी खोली हाथ की, उसके बाद धीरे धीरे मैं चल के फिर बड़ी मुश्किल से एक सामने मंदिर दिखा मेरे को, मैं वहाँ गया और वहाँ पे कोई बंदा नहीं दिखा, तो मैं वहीं पे लेटा रहा पूरी रात, क्योंकि फ़ोन था नहीं रात को, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था घर पे। फिर जब सुबह मंदिर में लोग आना जाना शुरू हो गए, तो उसके बाद एक लड़की का फ़ोन लेकर मैंने घर पर सूचना दी कि यहाँ पे आ जाओ। मेरे पुलिस को खबर धावड़ा में की थी रात को, ठीक है। बाकी वहीपाल भैया और पापा को पता है यहाँ का। अभी तक नहीं आई पुलिस आपके पास? नहीं, अभी तक नहीं आई।